नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री राम कुंजाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज, दुर्ग। आज का जो विषय है, टॉपिक है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी। ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर पेपर 2 में यूनिट 3 में सम्मिलित किया गया है। इसको ये देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसमें बायोडायवर्सिटी क्या है, जैव विविधता जिसको हम बोलते हैं, जैव विविधता एट बायोडाइवर्सिटी एट ग्लोबल लेवल, हॉटस्पॉट एट ग्लोबल लेवल, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, थ्रेट्स, बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट्स और इसकी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मिलने वाले जो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं उनके प्रजातियों में जो विविधता पाई जाती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। और इस जैव विविधता में एक कोशिकीय जीव से लेकर के मल्टीसेल्युलर या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लेकर के मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता है। इसमें बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को समझाने के लिए सबसे पहले विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जीवों को विभाजित करने के लिए। उसमें से पहला जो किंगडम है वह एनिमल्स किंगडम, जिसमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स को शामिल किया गया है। दूसरा है प्लांट्स, इसमें दो प्रकार के जो पादप प्रजातियां हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इसमें सीड बियरिंग प्लांट्स और नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स। सीड बियरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिसमें फ्लावर्स बनते हैं और फ्लावर से सीड बनते हैं, नॉन जिसको हम आवृत बीजी पौधे कहते हैं। और दूसरे नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स मीन्स अनावृत बीजी पौधे या जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। तीसरा जो डिवीजन है वो है प्रोकैरियोट्स, जिसको हम बैक्टीरिया या प्रिमिटिव एल्गी आते हैं इसमें। चौथा है प्रोटिस्ट, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आते हैं, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। और पांचवा जो किंगडम है वो है मोल्ड्स और जितने भी मशरूम्स हैं, इनको फंजाई किंगडम के अंतर्गत रखा गया है। अगर हम बायोडायवर्सिटी की लेवल देखें तो बायोडायवर्सिटी की जो हायरार्कियल लेवल्स अगर हम देखें तो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जेनेटिक डायवर्सिटी। जेनेटिक डायवर्सिटी एक ऐसा जैव विविधता है जो एक ही प्रजाति में पाए जाने वाली जंतु स्पीसीज के जीन में वेरिएशंस पाई जाती है, उसको हम जीन संबंधी विविधता कहते हैं या जेनेटिक डायवर्सिटी कहते हैं। दूसरा है स्पीसीज डायवर्सिटी। स्पीसीज डायवर्सिटी विभिन्न जातियों के मध्य जो पाई जाने वाली जो विविधता है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। और कम्युनिटी डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के बीच में विविधता पाई जाती है, उसको हम कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अगर हम वैश्विक स्तर पर जैव विविधता का की बात करें तो लगभग 30 मिलियन स्पीसीज इस लिविंग अर्थ में, लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं इस अर्थ में, और ओनली 51.5 मिलियन जो स्पीसीज है वो ही आइडेंटिफाइड किए गए हैं। इनमें से ग्रीन प्लांट्स और फंजाई की लगभग 3 लाख स्पीसीज आइडेंटिफाइड हैं, इंसेक्ट्स के 8 लाख स्पीसीज, इन वर्टिब्रेट्स के 40,000 स्पीसीज और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 3,60,000 स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाइड। इसके बाद हम देखते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है सबसे पहले हम देखते हैं। तो हॉटस्पॉट विश्व के ऐसे स्थल जहाँ किसी प्राणी अथवा वनस्पति की अधिकता हो या उसके जो स्पीसीज हैं उसमें निरंतर घट रही है, घटे दुर्बल जो दुर्लभ जो प्रजातियां हैं उनमें गिरावट आ रही हो तो उसको हम जैव विविधता कहते हैं, और जैव विविधता के उस स्थान को हम तप्त स्थल या हॉटस्पॉट्स कहते हैं। या हम दूसरे शब्द में कहें कि जैव विविधता एक हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उच्च मात्रा में जैव विविधताएं पाई जाती है जो मानव गतिविधियों द्वारा उसकी आवास की हानि का अनुभव कराती है, तो ऐसे क्षेत्र को हम जैव विविधता हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो इंटरनेशनल कंजर्वेशन के अनुसार जैव विविधता या हॉटस्पॉट जो कॉन्सेप्ट है
सबसे पहले ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट नॉर्मन मेयर्स ने 1888 में दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि किसी भी जियोग्राफिकल रीजन्स में ऐसे स्पीसीज जो पर्टिकुलर एंडेमिक हो, रेयर और थ्रेटेंड स्पीसीज के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे स्थान को हम जो अपने नेचुरल जो हैबिटेट्स है उसको खो रही हो, तो उस क्षेत्र को उन्होंने हॉटस्पॉट का दर्जा दिया। और कैसे किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा दे सकते हैं, उसके लिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने कुछ क्राइटेरिया निश्चित किया, जिसके अंतर्गत पहला क्राइटेरिया है कि मिनिमम उस किसी भी एरिया में एटलीस्ट 1500 जो स्पीसीज है वो स्कूल प्लांट की एंडेमिक होनी चाहिए। और दूसरा क्राइटेरिया है कि किसी भी एरिया का जो 70%, कम से कम 70% जो स्पीसीज हैं वो अपना मूल आवास खो दिए हों, प्राइमरी नेटिव वेजिटेशन उसके लॉस्ट हो गई हो, तो ऐसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हांकित किया जाता है। और 1999 में कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने 25 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट चिन्हांकित किया गया था, और वर्तमान में पूरे विश्व में 35 जो एरिया है उसको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। उनमें से उसका पूरे अर्थ का 2.4% को रिप्रेजेंट करता है, और 50% जो या 50% से अधिक जो प्लांट स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में, और 42% ऑफ अदर टेरिस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीसीज है वो जो एंडेमिक है इस 35 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। ये जो मानचित्र है इसमें 35 जो वर्ल्ड में पाए जाने वाले 35 जो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसको दर्शाया गया है। अगर ग्लोबल लेवल पे हम जैव विविधता हॉटस्पॉट या जैव तप्त स्थल के बारे में हम देखें, तो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला अफ्रीका, दूसरा एशिया पैसिफिक, तीसरा यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, चौथा है नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, पांचवा है साउथ अफ्रीका। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अफ्रीका हॉटस्पॉट। इस हॉटस्पॉट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हॉटस्पॉट में, 8 हॉटस्पॉट्स को शामिल किया गया है जहां पर बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उनमें से पहला है कैप फ्लोरिस्टिक रीजन, कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका, ईस्टर्न अफ्रोमोनेट माउंटेन, चौथा गुनियन फॉरेस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, छठवा है मेडागास्कर एंड इंडियन ओशियन आइसलैंड, सातवा है मपूटा लैंड पोंडो लैंड हॉटस्पॉट, और आठवा है सोकलैंड कारो हॉटस्पॉट। ये 8 हॉटस्पॉट हैं जो अफ्रीकन हॉटस्पॉट में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में आते हैं। दूसरा है एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक जो हॉटस्पॉट रीजन है उस रीजन में 14 हॉटस्पॉट को सम्मिलित किया गया है। इसमें आइसलैंड के साथ साथ पैसिफिक जो सीज है उसके अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला है ईस्ट मलेशियन मलेनियन मलेशियन आइसलैंड, दूसरा हिमालय, तीसरा इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, चौथा है जापान हॉटस्पॉट, पांचवा है माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्ट चाइना हॉटस्पॉट, न्यू कैलिडोनिया हॉटस्पॉट, न्यूजीलैंड हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है फिलीपींस हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया हॉटस्पॉट, 10वें नंबर पे है साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हॉटस्पॉट, 11वें नंबर पे आता है इसमें फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट, नेक्स्ट है फिर अगेन नेक्स्ट है वेलेशिया हॉटस्पॉट, और सबसे लास्ट जो हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इन एशिया पैसिफिक रीजन में जो पाए जाने वाले हॉटस्पॉट है, जो इंडिया में 4 जो हॉटस्पॉट है पाए जाते हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन में सम्मिलित किए गए हैं। फिर नेक्स्ट है यूरोप एंड सेंट्रल एशिया।
यूरोप एंड सेंट्रल एशिया में मेडिटेरियन बेसिन से लेकर के माउंटेन अप सेंट्रल एशिया तक फैला हुआ है। इसमें चार हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जहाँ पर यूनिक बायोडायवर्सिटीज यहाँ इस हॉटस्पॉट्स में पाए जाते हैं। पहला है काउकेसस हॉटस्पॉट, दूसरा है इरानो एंटेलियन हॉटस्पॉट, फिर नेक्स्ट है मेडिटेरियन बेसिन हॉटस्पॉट, और चौथा है माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट हॉट कैटेगरी में है डिवीजन फोर्थ में नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका। इस हॉटस्पॉट्स में चार हॉटस्पॉट्स आते हैं। पहला है कैलिफोर्निया फ्लोरिस्टिक प्रोविंस, कैरेबियन आइसलैंड, मेड्रियन पाइन वुडलैंड्स, और चौथा है मीजो अमेरिका। पांचवा है जो डिविजन्स है उसमें पांच हॉटस्पॉट शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्राजील कैरेडो से लेकर के ट्रॉपिकल एडीन्स और साउथ अमेरिका शामिल हैं। इसमें से पहला है एटलांटिक फॉरेस्ट, दूसरा है सेराडो हॉटस्पॉट, तीसरा है चिलियन विंटर रेनफॉल वेल्डिनियन फॉरेस्ट हॉटस्पॉट, चौथा है थम्स चाको मैगडेलिना हॉटस्पॉट, और पांचवा है ट्रॉपिकल एडेंस हॉटस्पॉट्स। ये पांच है वो साउथ अमेरिका कंटिनेंट्स डिविजन्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसमें भारत में पाए जाने वाले जैव विविधता के तीर्थ स्थल। तो इन 35 हॉटस्पॉट्स में से जो चार हॉटस्पॉट्स है वो इंडिया में पाए जाते हैं। पहला है ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट, दूसरा है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, तीसरा है सुंदरलैंड्स हॉटस्पॉट, और चौथा वेस्टर्न घाट्स श्रीलंकन हॉटस्पॉट। इसके बाद हम देखते हैं पहला ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट। ईस्टर्न हिमालयन जो हॉटस्पॉट है ये अंतर्गत ये हिमालय असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्यों का क्षेत्र आता है, और हिमाचल पर्वत श्रृंखलाएं भी इस विविधता में शामिल होता है। और ये जो ईस्टर्न हिमालयन जो हॉटस्पॉट है 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, और इस क्षेत्र में लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 3,160 प्रजातियां एंडेमिक हैं। अगर इसमें एंडेमिज्म्स की बात करें तो हम स्पीसीज डायवर्सिटी और एंडेमिज्म्स की, तो प्लांट स्पीसीज की लगभग 10,000 स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, जिनमें से 3,160 स्पीसीज है वो पर्टिकुलर इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक हैं। दूसरा है स्तनधारी जो जीव मेमल्स हैं उनकी 3,300 स्पीसीज पाई जाती है, और 300 स्पीसीज में से जो 12 स्पीसीज है इस क्षेत्र में एंडेमिक हैं। अगर बर्ड्स की बात करें तो 977 स्पीसीज इस क्षेत्र में पाई जाती है, उसमें से 15 स्पीसीज है वो टोटली एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब होता है कि ऐसा प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हो और अन्य क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, ऐसे स्पीसीज को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। इनमें से रेप्टाइल्स की लगभग 176 स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 48 स्पीसीज है वो इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक है। एम्फीबियंस की 105 स्पीसीज पाई जाती है, और उनमें से 105 में से जो 42 स्पीसीज है वो एंडेमिक है। फ्रेश वाटर फिशेस में 269 स्पीसीज इस क्षेत्र में पाई जाती है, और उसमें से 33 स्पीसीज है वो टोटल इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक है। और इस क्षेत्र में प्लांट फैमिलीज की बात करें तो इसमें जो पांच प्लांट फैमिलीज है वो टोटली इस रीजन के लिए एंडेमिक है। उनमें से टेट्रासेंट्रेसी एक फैमिली, टेट्रासेंट्रेसी, दूसरा फैमिली है हेमामेरिडेसी, तीसरा है सरकेस्ट्रेसी, चौथा है ब्यूटुमेसी एंड पांचवा है स्टिकाइरेसी। इनमें से जो लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है इस हॉटस्पॉट में पाया जाते हैं वो है आर्किडेसी है, जिसकी लगभग 750 स्पीसीज इस क्षेत्र में पाई जाती है।
इसके अलावा रोडेंड्रॉन प्राइमुला और पेडिकुलेरिया भी ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्स हॉटस्पॉट में किस पाई जाती है। प्लांट्स के अलावा भी इस क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड्स, एनिमल्स और टाइगर्स एनिमल्स भी पाए जाते हैं, लाइक टाइगर, एलिफेंट, राइनोस एंड वाइल्ड वाटर बफेलोस हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। दूसरा है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इस क्षेत्र में इंडो बर्मा हॉटस्पॉट में इंक्लूड है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एक्सेप्ट असम से लेकर अंडमान निकोबार ग्रुप समूह तक। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट अगर बात देखें तो इस पे ये हॉटस्पॉट्स में लगभग 13,500 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें से 700 जो स्पीसीज है वो इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक हैं। इसी प्रकार से 433 प्रकार के स्तनजीवी पाए जाते हैं यहाँ पर, जिसमें 73 स्पीसीज एंडेमिक्स हैं। पक्षियों की बात करें या बर्ड्स की बात करें तो 1,266 स्पीसीज इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और उसमें से 64 जो स्पीसीज है इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक्स हैं। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो 522 स्पीसीज रेप्टाइल्स की पाई जाती हैं, उनमें से 204 स्पीसीज हैं वो टोटल एंडेमिक हैं इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स के। उसी प्रकार से एम्फीबियंस और फ्रेश वाटर स्पीसीज की 154 और 553 जो स्पीसीज है इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक हैं। इस क्षेत्र में इंडो बर्मा हॉटस्पॉट्स में एक वाइड वैरायटी ऑफ जिंजर और ऑर्किड की स्पीसीज पाई जाती है। उनमें से मोर देन 1000 ऑर्किड स्पीसीज थाईलैंड में सिंगल केवल थाईलैंड में पाई जाती है इसमें। नेक्स्ट है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट। ये हॉटस्पॉट वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडो मलेशियन एरिया को कवर करता है। इसमें बोर्नियो सुमात्रा का जो एरिया है इसमें आता है। सुंदरलैंड जो हॉटस्पॉट के जो बॉर्डर है वो तीन हॉटस्पॉट को टच करता है। पहला इस है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट नॉर्थ वेस्ट एरिया में इंडो बर्मा हॉटस्पॉट को करता है, शामिल करता है ये। दूसरा है वो वेलेशिया हॉटस्पॉट और तीसरा जो हॉटस्पॉट को उसके बॉर्डर को टच करता है फिलीपींस हॉटस्पॉट को नॉर्थ ईस्ट में कवर करता है। सुंदरलैंड हॉटस्पॉट में अगर देखें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो वनस्पतियों में प्लांट्स की लगभग 25,000 स्पीसीज पाई जाती है। उनमें से 15,000 स्पीसीज है उस क्षेत्र के लिए एंडेमिक है। दूसरा अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स की 172 आउट ऑफ 380 स्पीसीज आर एंडेमिक इन मैमल्स। अगर बर्ड्स की बात करें तो 142 आउट ऑफ 769 स्पीसीज आर एंडेमिक। रेप्टाइल्स 452 स्पीसीज इस क्षेत्र में पाई जाती है, उनमें से 243 स्पीसीज हैं वो इस क्षेत्र के लिए एंडेमिक हैं। एम्फीबियंस की बात करें तो 244 स्पीसीज पाई जाती हैं, उनमें से 196 स्पीसीज टोटली एंडेमिक हैं सुंदरलैंड हॉटस्पॉट पे। दूसरा है फ्रेश वाटर फिशेस की 950 स्पीसीज सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। इनमें से 350 स्पीसीज आर एंडेमिक इन सुंदरलैंड हॉटस्पॉट। वन ऑफ द प्लांट फैमिली लाइक साइफोस्टेजिएसी इज कन्फाइंड इन द टू द हॉटस्पॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली सिंगल ट्री स्पीसीज इन सुंदरलैंड हॉटस्पॉट दैट इज नोन एज साइफोस्टेजिया ब्रुनेंसिस फ्रॉम बोर्नियो। There are at least
117 एंडेमिक प्लांट जेनरा इन द हॉटस्पॉट, 59 स्पीसीज ऑफ दिस एंडेमिक जेनरा आर फाउंड इन बोर्नियो एंड 17 इन सुमात्रा एंड 14 इन मलय पेनिनसुला। ये टेबल प्लांट स्पीसीज की बात करें तो इस प्लांट स्पीसीज में सुंदरन बायोडायवर्सिटी में जो रेफ्रेसिया है वो नोटेबल प्लांट स्पीसीज है, वहाँ पर पाई जाती है। रेफ्रेसिया की 16 स्पीसीज सुंदरन हॉटस्पॉट में पाई जाती है। वैसे बर्ड्स की अगर बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशंस में बाली मैना है, बर्ड्स है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड्स है। मैमिलियंस की बात करें तो अरंगूटांस की लगभग 2 स्पीसीज है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड के कगार में है। रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो इस पे लार्ज लिवर टर्पेंटाइन्स, टेरापाइन्स थ्रेटेंड रेप्टाइल्स के कैटेगरीज हैं। इस सुंदरलैंड हॉटस्पॉट में आज के परिदृश्य में अगर देखें टाइगर्स राइनोसोर्स आर द मोस्ट विजिबल टारगेटेड टारगेट्स ऑफ हंटिंग फॉर द चाइनीज मेडिसिन मार्केट फॉर स्किन्स बॉडी पार्ट्स एंड हॉर्न्स। चौथा है वेस्टर्न घाट इन श्रीलंकन हॉटस्पॉट। इस हॉटस्पॉट को सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है जो कोस्टल रीजन्स को कवर करता है, गुजरात से लेकर के केरल तक के एरिया को कवर करता है। ये इस बायोडायवर्सिटी में अगर हम देखें हॉटस्पॉट में देखें सुंदरलैंड के अलावा मेगाडाल पश्चिमी घाट में हम देखें तो इस क्षेत्र में लगभग 5,916 प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। इनमें से 3,049 स्पीसीज है और टोटल एंडेमिक है इस क्षेत्र के लिए। मेमल्स की अगर बात करें तो 140 स्पीसीज पाई जाती है, इनमें से 18 स्पीसीज आर एंडेमिक इन वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। 35 स्पीसीज आउट ऑफ 458 आर एंडेमिक बॉडी स्पीसीज। 174 आउट ऑफ 267 स्पीसीज आर एंडेमिक ऑफ रेप्टाइल्स इन वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट। नाउ नेक्स्ट एम्फीबियंस, 130 स्पीसीज आर एंडेमिक आउट ऑफ 178 स्पीसीज। एंड फ्रेश वाटर फिशेस, 139 स्पीसीज आर एंडेमिक आउट ऑफ 191 स्पीसीज। वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट में लगभग 5,000 स्पीसीज वेस्कुलर प्लांट्स की पाई जाती है। उसकी 5,000 में 200 जेनरास पाई जाती है एंड 58 प्लांट जेनरा आर टोटली एंडेमिक। Some prominent genera and families are represented by large number of endemic species in Western Ghat hotspot like Dipterocarpus, 12 of 13 species are endemic and Calamus with 23 of 25 species are endemic in particular Western Ghat hotspot. Only one gymnosperm trees are found in Western Ghat hotspot like Podocarpus are endemic. Of the 267 species of orchids and 130 species are endemics. Similarly, plant diversity and endemism in Sri Lanka is quite high with 3,210 flowering plant species in 1,052 genera are endemic.
अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें इसमें 433 प्लांट स्पीसीज एंड एटलीस्ट 5 जेनरा आर कंफर्म टू श्रीलंका एंड वेस्टर्न घाट कंबाइंड। नेक्स्ट आता है इसमें थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट्स या जैव विविधता की थ्रेट्स की बात करें तो हैबिट डिस्ट्रक्शन एक मोस्ट थ्रेट्स है, दूसरा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, तीसरा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, नेक्स्ट इज पॉल्यूशन, अगेन नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंड एनिमल आल्सो एंड डिजीजेस। ये 6 पैरामीटर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटिकल थ्रेट्स के लिए जिम्मेदार। कंजर्वेशन की बात आती है, हम क्यों कंजर्वेशन करना चाहते हैं जैव विविधता का, तो हमको एक तो जेनेटिक वैल्यूज, कमर्शियल वैल्यूज, मेडिकल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज के कारण हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व चाहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए दो मेथड अपनाए जाते हैं, इसमें पहला है इन सिटू कंजर्वेशन विद इन द हैबिट। ऐसा जो एरिया को या प्लांट डाइवर्सिटीज जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस को प्रोहिबिटेड है और ऐसे एरिया को प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और फौना के रूप में पाए जाते हैं। इसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। दूसरा है एक्सिटू कंजर्वेशन आउटसाइड द हैबिट्स। हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके नेचुरल हैबिट से निकाल करके हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीन बैंक, सीड बैंक, जूस, बॉटनिकल गार्डन्स एंड कल्चर कलेक्शन सेंटर्स। दिस आर द सोर्सेस ऑफ माई लेक्चर एंड थैंक यू।